Tá bom, claro. अरे भाई साहब सर, अभियान लगातार जारी है। आज BSF भी इस मुहिम में जुड़ा है, किस तरह का कार्यक्रम शुरू हो रहा है? सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से पूरे जोधपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस मुहिम को बहुत ही सफल बनाया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है, ये जन आंदोलन है और आंदोलन तभी सफल होता है जब जन इनके साथ जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा, आर्मी के साथ हमने कार्यक्रम किया, बाकी जोधपुर के साथ किया, इसी क्रम में BSF भी आज हमारे साथ है। BSF की भी यही मुहिम है कि मास्क की वैक्सीन है तो हर कोई मास्क पहुँचे पहने, और इसी तहत में जो उनका उनके जो साथीगण हैं, उनका जो काफिला है, वो हमारे साथ, वो जो उनके कैमल्स हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, वो रैली निकालेंगी जो यहां से होकर के पूरा पावटा सब से घूम करके वापस आएगा। मास्क भी वितरित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप मास्क पहने और पूरा महीना मास्क पहने, दिवाली सुरक्षित मनाएँ, तभी हम सब कोरोना के विरुद्ध ये जन आंदोलन को सफल बना पाएंगे और कोरोना के ऊपर जीत पा पाएंगे। अब तक नगर निगम पुलिस प्रशासन जो है उसमें सहयोग, जिला प्रशासन का था, अब BSF का इस तरह से आपको सहयोग मिला है, कितना आप आते हैं इसको लोगों में जागरूकता से देता है? मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए हो सकता है। BSF हमारी सबसे फ्रंटियर एजेंसी है जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। जब BSF इतना कुछ कर रही है तो जो हम लोग आम नागरिक हैं, सर कम से कम एक मास्क तो पहन सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है और मैं BSF को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी इस मुहिम। ठीक, अब एक देश पर बड़ी समस्या है कोरोना, इसको लेकर के जनता के साथ जुड़ रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सीमा सुरक्षा बल का सवाल है, आपने ठीक कहा कि सीमा पे हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि सीमा के साथ साथ जितने भी गाँव हैं उसमें हम लगातार कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और जो जरूरी चीज़ें आवश्यक चीज़ें जैसे मास्क है, सैनिटाइजेशन है, इन चीज़ों का वहाँ पर वितरण लगातार हो रहा है। यहाँ हमें जोधपुर में म्यूनिसिपल कमिश्नर की तरफ से ये अनुरोध आया था कि हम यहाँ भी करें, तो हमने सहज रूप से इसको स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस विपदा में किसी के काम आ पा रहे या लोगों को सजग करने में अपना शुरू कर पा रहे। थैंक यू।